आपको याद होगा अनिल देशमुख के बचाव में शरद पवार 10 तरह की बातें कर रहे थे। ये कहा गया था कि ये तो सिर्फ आरोप है, कोई सबूत नहीं है, अगर कोई वसूली की गई तो आरोप लगाने वाले बताएं कि रकम कहां है। ये कहा गया कि फरवरी में ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई जिसमें सचिन वाजे को कथित तौर पर अनिल देशमुख ने वसूली का टारगेट दिया था, क्योंकि फरवरी में देशमुख को कोरोना हो गया था, वो अस्पताल में थे और फिर होम क्वारंटीन में थे। ये भी कहा गया कि एंटीलिया और सचिन वाजे के मामले में तो खुद परमवीर सिंह जांच के घेरे में है, उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाया गया इसीलिए परमवीर सिंह ऐसे आरोप लगा रहे हैं, और अगर परमवीर सिंह को यह बात पता थी कि पुलिस वालों को मंत्री वसूली का टारगेट दे रहे हैं तो यह बात उन्होंने पहले क्यों नहीं बताई, ट्रांसफर के बाद उनका मुंह क्यों खुला। शरद पवार एनसीपी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि परमवीर सिंह के आरोपों की जांच होगी लेकिन देशमुख को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं। इस मामले में शिवसेना इसलिए किनारे थी कि देशमुख पर फैसला तो शरद पवार को करना है क्योंकि वो एनसीपी के कोटे के मंत्री थे, लेकिन इससे इन 15 दिन में ठाकरे सरकार की बड़ी फजीहत हो गई और अब देशमुख के इस्तीफे के बाद तो ठाकरे सरकार पर और दबाव बढ़ गया है क्योंकि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर हमले और तेज कर दिए। इस मामले में पहले दिन से बीजेपी सीधे उद्धव ठाकरे को घेर रही है, अब तो बीजेपी के पास पूरा मौका है। ये अनिल देशमुख का इस्तीफा है, इसमें क्या कहा गया है, मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। ये बड़े शब्द बड़े रोचक लगे मुझे। मुख्यमंत्री जी, आपकी कोई नैतिकता है कि नहीं? इस सवाल का सीधा मतलब यही है कि बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांग लिया है, क्योंकि जो नैतिकता अचानक अनिल देशमुख को याद आई और उन्होंने कुर्सी छोड़ी, बीजेपी वही नैतिकता उद्धव ठाकरे को याद दिलाने लगी। मैं नैतिकता के मानों को थोड़ा ऊपर बढ़ा रहा हूं। जिस मुख्यमंत्री के अगुवाई में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनका कोई नैतिक दायित्व तो बनता है कि नहीं? माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा कि शासन करने के नैतिक अधिकार से अब आप वंचित हो गए हैं, जिस तरह से आपकी सरकार चली है या चल रही है। उद्धव ठाकरे पर इन सीधे हमलों के लिए बीजेपी के पास मौका भी है और पूरा बारूद भी, क्योंकि मुख्यमंत्री ठाकरे एक नहीं कई मोर्चों पर एक साथ फंस गए हैं। एक तरफ एंटीलिया केस है, सचिन वाजे का मामला है जिसमें एनआईए जांच कर रही है, दूसरी तरफ 100 करोड़ के वसूली का मामला है जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑर्डर पर अब सीबीआई जांच करेगी। इसमें 15 दिन से नाना करते जब अनिल देशमुख से इस्तीफा लेना पड़ा तो बीजेपी की सियासी तोप में उद्धव ठाकरे पर निशाने के लिए बारूद और बढ़ गया। दिल्ली से मुंबई तक सीधे ठाकरे पर तीखे हमले हुए। गृह मंत्री का ये इस्तीफा बहुत पहले आना चाहिए था। पुलिस फोर्स को प्राइवेट आर्मी की तरह वसूली के लिए अगर इस्तेमाल किया जाए तो इससे दूसरा कोई अलग उसमें से निष्कर्ष नहीं आ सकता है। जिस प्रकार से सिंडिकेट राज तैयार करके पुलिस का उपयोग हफ्ता वसूली के लिए, पुलिस का उपयोग सेटलमेंट के लिए ये सरकार करने लग गई थी, तो इसमें से ऐसा ही हश्र उसका निकलने वाला था और वही चीजें हमारे सामने आई है। सीबीआई की जांच में तो 100 करोड़ के वसूली कांड की परतें खुलेंगी और फिर ये भी नहीं होगा कि मामला सिर्फ अनिल देशमुख तक ही रहेगा। बीजेपी को लगता है कि इसकी कड़ियां और आगे तक है। एक तो परमवीर सिंह की चिट्ठी है जिसमें अनिल देशमुख पर यह आरोप लगे कि उन्होंने मुंबई में 100 करोड़ रुपए महीने वसूलने का टारगेट दिया था। दूसरा, पूर्व कमिश्नर इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला की वो सीक्रेट रिपोर्ट है जिसमें नेताओं के इशारे पर ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों के लेन देन के दावे किए गए। आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ है कि पुलिस कमिश्नर गृह मंत्री पर आरोप लगा रहा है कि गृह मंत्री एक क्वेश्चनेबल कंडक्ट के एएसआई सचिन वाजे को कह रहे हैं कि तुम 100 करोड़ रुपए का इंजाम करो। ये अनिल देशमुख से ने जो मांग उगाही की मांग की तो वो सिर्फ अपने लिए कर रहे थे या अपनी पार्टी के लिए कर रहे थे या पूरी सरकार के लिए कर रहे थे? श्योरली देयर मे बी ए लॉट ऑफ लिंकेजेस, बहुत से अधिक सेतु निकलेंगे इससे, और हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले के सभी सेतुओं की जांच होनी चाहिए। अब अनिल देशमुख से इस्तीफा तो ले लिया गया लेकिन देशमुख के मामले से ठाकरे सरकार का पीछा आसानी से छूटेगा नहीं। सीबीआई जांच के बाद बीजेपी नए खुलासे की उम्मीद लगाए बैठी है और इस बात से सीधे उद्धव ठाकरे को घेर रही है कि उनकी नाक के नीचे
महाराष्ट्र में इतने बड़े मामले हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन मामलों पर चुप है। अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर एनसीपी पर काफी राजनीतिक दबाव था, लेकिन जो काम राजनीतिक दबाव नहीं कर पाया वो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले ने 3 घंटे में कर दिया। अनिल देशमुख गए और दिलीप वलसे पाटिल आए। इससे सरकार अब गृह विभाग की छवि सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन क्या इससे ये मिलीजुली सरकार पर सियासी खतरे का संकट मंडरा रहा है? ये कहना तो थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन सीबीआई की एंट्री ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।